रिपोर्ट संदीप प्रमोद एक्शन चाय कितनी आगे चावल की बोरी ए बोलो ए चावल की बोरी कल आने वाली है तो ना आगे क्या ए बोलो ता नहीं है काम आ गए अगर मुझे पूरा मार्केट घूमना है तो पहले अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं ठीक है साला इधर कहीं गाड़ी मुझे लगाने के लिए जगह नहीं दिख रही है कोई जगह मिल जाए मैं फटाक से निकलूंगा इधर से अरे यहाँ यही सबसे बढ़िया जगह है अब मैं अपनी गाड़ी यहीं लगाऊंगा और पूरा मार्केट घूमूंगा वैसे भी मैं इतने दिनों बाद तो गाँव से शहर आया हूँ आज पूरा घूमूंगा ठीक है लगा दे बेटा अब निकल इधर से अरे अरे ये क्या कर रहे हो अरे दुकान के सामने अपने मोटरसाइकिल क्यों खड़ा कर दिया दुकान हाँ अरे भैया देखो हमको ना यहाँ पे खाली दिखा तुम खड़ा कर दिए अब इसमें तुम गधे जैसा क्यों चिल्ला रहे हो ये खाली जगह अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए नहीं है यहाँ पे वो लोग लगाते हैं अपने मेरे दुकान में सामान खरीदने आते हैं देखो भैया हमारे गांव में तो वैसे ही होता है जहाँ पे खाली होता है लोग गाड़ी लगा के निकल लेते हैं ये तुम्हारा गांव नहीं है ये तो शहर है शहर अगर तुम अपने गाड़ी लगानी है तो जाके अपने गांव में जाके लगाओ देखो भाई हम सच्ची बात बता रहे हैं गाड़ी हमारी थोड़ी ना होगी खराब अब इसको लेके हम कहाँ घसीटते रहेंगे खड़ी है तो खड़ी रहने दो ना खराब होगी तो किसी गैराज में डालो मेरे दुकान के सामने आकर क्यों फटक रहे हो देखो भैया हम ठहरे गांव वाले अब गांव से आए हैं अब हमें इतने बड़े शहर में कहां से मालूम होगा गैराज कहां पे है अब खड़ी रहने तो इसमें दिक्कत ही क्या है देखो तुम अभी से अभी तुम्हारा मोटरसाइकिल देखो लेके जाओ पर हमारे लड़का आ गए ना तेरे गाड़ी में पानी फेंक देगा अरे पानी अरे तो और अच्छी बात है अरे इतनी गंदी मेरी गाड़ी देख रहे हो एक साल से साफ नहीं किया है उसको बोल दो जल्दी पानी डाले इसी बहाने मेरी गाड़ी भी धुल जाएगी और मेरे पैसे भी नहीं लगेंगे देखो मेरा दिमाग का दही मत करो वरना तुम्हारा मोटरसाइकिल उठाकर फेंक दूंगा मैं क्या तुम क्या मोटरसाइकिल उठा के फेंकोगे मेरी अरे उम्र देखी तुमने अपनी एक पांव तुम्हारे जमीन पे है और दूसरा पांव कब्र में एक बाल्टी पानी तो तुमसे उठाया नहीं जाता गाड़ी का थाक उठा के फेंकोगे तुम बुढ़ा कहीं का ए बुढ़ा किसका बोला हाँ बुढ़ा दिखता हूँ मैं तुम बुढ़ा दिखता हूँ मैं हाँ ठीक है जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं तो आया था गांव से शहर के लिए 15-20 हज़ार का सामान खरीदने त्योहार के लिए लेकिन तेरी औकात देख के ना मुझे नहीं लग रहा तू सामान दे पाएगा तू इतना गंदा आदमी है कि तू किसी को भी कुछ भी बोलता रहे मैं नहीं रहूंगा तुम सामान खरीदने आए थे ये तो पहले ही बताना चाहिए था ना आओ आओ उधर नहीं नहीं तेरी औकात मैंने देख ली है मैं जा रहा हूँ धनी राम के यहाँ और उसी के यहाँ मैं सामान खरीदूंगा ठीक है चलते हैं मैं कभी नहीं आऊंगा तेरी दुकान पे राम राम अरे यार ये तो मैंने क्या कर दिया नहीं पत्ती मर गई क्या था घर आने वाली लक्ष्मी तो चली गई पता नहीं कितने सामान खरीदने आया था ए बोलो चाय ले गया